नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ की कई दिनों से हड़ताल के बाद भी मांग पूरी नहीं होने के बाद 29 जून को आगर छावनी नाका कॉम्प्लेक्स के पास धरना प्रदर्शन के बाद आज अध्यक्ष रेखा अजमेरा के नेतृत्व में आशा उषा कार्यकर्ता की 20 महिलाओं राजधानी भोपाल के लिए सुबह 7 बजे पदयात्रा प्रारंभ की। महिलाओं ने नारे भी लगाए। महिलाओं की मजबूरी है, भोपाल जाना जरूरी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, 1 2 3 4 सारी आशा है तैयार। पदयात्रा में सुनीता कटारिया, रेखा, सूर्यवंशी, सीमा, कल्पना, कविता आदि आशा सहयोगी ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। मिशन न्यूज के लिए आगर मालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। नेमावर थाने क्षेत्र में 1.5 माह से लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को जमीन में दफना दिया गया था, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर 5 मृतक सदस्यों को निकाला गया। गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलबीर सिंह तोमर ने बीसीएन न्यूज पर फोनों के माध्यम से थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक को निलंबित करने की मांग की एवं सहायता राशि व दोनों भाई बहन को शासकीय नौकरी देने सरकार से मांग की। भले टाइम लगा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए और हमने इस पूरे प्रकरण का पता छेद किया। सर, ये जो घटनाक्रम है इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल हुए? ये जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ है तकरीबन 1 दर्जन लोगों की संभावना हो सकती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है क्योंकि अभी घटना स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं, तो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने अशोक सम्राट भवन में विधायक के द्वारा गड़बड़ी पाने पर स्थल निरीक्षण कर तोड़फोड़ करते हुए ईंट सीरिंग कर सही कार्य करने का निर्देश संवेदक को दिया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में अशोक सम्राट भवन निर्माण कार्य में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने अनियमित पाने पर विगत दो दिन पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराते हुए कार्य को बंद करा गया था। उसी मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार अशोक सम्राट भवन पहुंचे, निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान संवेदक पंकज कुमार को डांट फटकार लगाते हुए फर्श को तोड़फोड़ करते हुए ईटा सेलिंग करने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिवन कुमार ने मीडिया को बताया कि विगत 2-3 पूर्व विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के द्वारा भवन निर्माण कार्य में अनियमित पाई गई थी, जो संवेदक को दिशा निर्देश देते हुए कार्य को ठीक करा गया। गलत कार्य कर रहे संवेदक के द्वारा मुंशी राकेश कुमार को कार्य से हटा दिया गया। वही संवेदना पंकज कुमार ने बताया कि गलत कार्य कर रहे मुंशी राकेश कुमार को कार्य से हटा दिया गया और फर्शों में ईंट सीलिंग कर कार्य कराया जा रहा है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कावंडिया यात्री धर्मशाला का भी निरीक्षण किया। कावंडिया यात्री धर्मशाला में रंग रोगन कार्य करा रहे लोगों को सही तरीके से रंग रोगन लाइट पंखा दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी दिलीप दुबे, नगर सभापति प्रतिनिधि सनी यादव सहित तमाम कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, सम्राट अशोक भवन का निर्माण जो है वो हमारा जो टेक्निकल एजेंसी है बुडको, वो कार्यकारी एजेंसी है, उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो कार्यपालक अभियंता बुडको और उनके अंतर्गत जो भी सहायक अभियंता और जो जेई आए हैं उनका यहाँ पर काम है। टेक्निकल जितना भी चीज़ है उसको देख रेख में अपनी देख में करवाएंगे और सुनिश्चित करवाएंगे कि गुणवत्तापूर्वक काम। लेकिन 2 दिन पहले माननीय विधायक जी का यहाँ पर दौरा हुआ था, उस दौरान पाया गया कि जो है ढलाई में जो है इन लोग बिना जो है ईटा सोली किए जो है ढलाई का कार्य कर रहे हैं। या तो उन्हें उस समय कार्य को बंद करा दिया गया और आज जो है जो मुख्य संवेदक है वो भी आए हुए हैं, तो पता चला कि जो इनका मुंशी यहाँ पर था तो उसकी बदमाशी थी, उसने गलत ढंग से वो काम कराया था और इनके भी नॉलेज में नहीं था, तो उस मुंशी को हटा दिया गया है और वापस जितना भी ढलाई उस तरह का किया था गलत तरीके से उसको आज हम लोग तोड़वा रहे हैं। हमें सब निर्देश दिया है कि इसको तोड़वा करके प्रॉपर ढंग से जो भी सोलिंग करना है और उसके बाद खिलाफ ढलाई का काम करना है। जेई को हमने निर्देश दे दिया है कि आप इनसे रह करके और अगले 1 महीने में इस कार्य को पूरे अशोक भवन के कार्य को निपटाना पूछ। नहीं देखिए, जो यहाँ पे काम देखते हैं ना मेरे मुंशी, तो उनको जानकारी का अभाव था, ठीक है, नहीं वो हमसे कोई कंसेंट लिए ऐसा है। उससे बाहर में क्लस्टर कर रहा था, बच्चा पानी पड़ा, बताया कि सर वो बारिश में धुल जा रहा था, तो वही हम मुझसे बोला होगा तो मुंशी जी चलिए अंदर में तो पर बारिश में दिक्कत नहीं है ढलाई कर रहे। मुंशी भी बोला कि ठीक है कर लो, वही वो लोग कर रहा होगा तो फिर हुआ, तो गलती है मुंशी को
हटा रहे हैं, उनको हटा के हाँ जानकारी नहीं रखना तो बहुत बड़ा अपराध है। तो अभी मान के चलिए हम परेशान हैं। तो सोलिंग का काम किया जा रहा है? हाँ देख लीजिए। क्या नंबर सर आपका? हाँ पंकज। और ये क्या कंपनी का नाम? कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप के नाम से लिए और कंपनी। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सर्वोदय समाज के मीडिया प्रभारी एवं मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष दीपक कुमार पोताजी अपनी 11वीं विवाह वर्षगांठ पे 121 पौधारोपण के साथ एक नए अभियान कटिहार पर्यावरण दिवस का आरंभ किया। इस कार्यक्रम की नींव निगम महापौर शिवराज पासवान भैया जी, सर्वोदय समाज के अध्यक्ष अशोक सर एवं नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंकित ठाकुर चाचा जी के द्वारा सामूहिक रूप से रखा गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अरविंद साह भैया, पंकज कुमार, किशोर भैया जी, अतुल रंजन घोष सर, राजू गुप्ता, जय प्रकाश यादव, राजू मंडल भैया, सरिता भाभी, नीलू कुमारी और निप्रिया के समर्थ शौर्य की अहम भूमिका थी। बीसीएन न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। बालू माफिया व ट्रक चालक की गुंडई आई सामने। चेकिंग के दौरान तैनात सेल्स टैक्स अधिकारी को जान से मारने की फिराक में गाड़ी में मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, अधिकारी बाल बाल बचा। ओवरलोड गाड़ी निकाल कर ले जा रहे थे लोकेशन पास अधिकारी की गाड़ी में टक्कर के बाद हाईवे पर बढ़ाई गई शक्ति। सदर कोतवाली क्षेत्र में लक्ष्मीबाई तिराहे का मामला है। मिशन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पिलखुवा पुलिस ने थाना क्षेत्र के जंगल ग्राम सिखेड़ा में 3 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या का सफल अनावरण करते हुए मसला गैंग के 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर आला कटलरस से बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पिलखुवा पुलिस थाना क्षेत्र के जंगल ग्राम सिखेड़ा में 3 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से आला कटलरस से बरामद भी की। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम जनपद हापुड़ पिलखुवा थाना प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सक्सेना, SI नवीन कुमार, गौतम SI नीटू कुमार, हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र सिंह, कांस्टेबल उदय कुमार, कांस्टेबल सोनू ढाका, थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ टीम को बड़ी सफलता मिली। दिनांक 27 जून को पिलखुवा थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गाँव के खेत में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आज पिलखुवा पुलिस ने 3 लड़कों की गिरफ्तारी की है, जिनके नाम गोविंदा, टीटू और नरदेव हैं। ये तीनों युवक सिखेड़ा ग्राम के रहने वाले हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यू ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।